पता है कैसा है ना, एक ख्याल है मेरे जहन में, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ये मैक्स साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले मैं बहुत सारी और चीज़ें बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि एमए के आर्किटेक्ट, एमए के पोएट, एमए के एंकर, एमए के एक्टर एंड लॉट मोर देन दैट। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो मजीद इस बात का इल्म रखते हैं। लेकिन दरअसल इस मैक्स साइकोलॉजिस्ट बनने के सफर में बहुत सारे रास्ते हैं जहां से मैं गुजरा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस फील्ड में प्रोफेशनल डिग्रीज लेना, लाइक मास्टर्स इन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। और डिग्री से याद है कुछ और चीज भी शेयर करने वाला हूँ जल्दी, स्टे कनेक्टेड मेरे प्यारे प्यारे लोग, डिग्री से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है। एनीवे बैक टू द टॉपिक। तो इसी डिग्री और इसी सफर के दौरान बहुत सारे रास्तों से जो मैं गुजरा हूँ, उन्हीं में से एक रास्ता है ट्रेनिंग, जो कि मेरे इस फील्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के अंदर रिग्रेस ट्रेनिंग करी है अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज लेने के लिए, राइट? तो दरअसल ऐसी ही एक उस ट्रेनिंग के वक्त का एक किस्सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी जिसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने वहाँ पर एक एक्टिविटी दी थी उन सभी लोगों को, जिसमें हम भी थे, फकीर मलंग सीखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार। वो ये थी कि आपको अपनी लाइफ के अच्छे वक्त और अपने बुरे वक्त में जो आपकी लर्निंग रही है वो आप लोगों को बतानी है। तो ऐसे ही आज मैं पुरानी गैलरी की इमेजेस देख रहा था इत्तेफाकन, तो वो इमेज मेरे सामने आ गई कि उस वक्त जो एक्टिविटी थी उसमें मैंने क्या लिखा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया पढ़ के। आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू ऑल। सो नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट एंड से, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो मेरे से थेरेपी ले रहे हैं, जो मुझे लाइक समझते हैं कि वो मेरे से इल्म हासिल करना चाहते हैं, मेरे से थेरेपी लेना चाहते हैं, मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों को और इनफैक्ट मेरी जितनी भी ऑडियंस है जो मेरा काम देखती है, पसंद करती है, दुआ करती है मेरे लिए, मैं उन सभी लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ जो उस वक्त ट्रेनिंग के दौरान मैंने जो लिखा था वो आप लोगों को भी कन्वे करना चाहता हूँ, कि बुरे वक्त में मेरी जो लाइफ की लर्निंग रही है वो ये है कि मोनिस यू आर इनफ। और यही बात मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि अगर आप अजियत, रुसवाई, तगफुल, रंजिशों का सामना कर रहे हैं, मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं, तो बस ये बात मेरी याद रखिए, मन में, दिल में, रूह में इस ख्याल को डाल लीजिए, जब अल्लाह साथ तो मंजिल आसान संभाल लेंगे, तुम काफी हो। और इस बात को समझने के लिए मसला हो रहा है तो डीएम फॉर काउंसलिंग विद लव मैक्स साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस। और दूसरी और जो अच्छे वक्त की लर्निंग मैंने उसमें कोट करी थी वो दरअसल ये थी कि इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो मैं शुरू हुआ, ठीक है। जब जब जिंदगी में तरक्की का मुकाम हासिल होता है, ये एटीट्यूड के साथ मैं जिंदगी गुजारता हूं, अभी तो लिए अंगड़ाई आगे बहुत बड़ा ये मचाएंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू ऑल, विद लव मैजिशियन मैक्स साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने पास रहें।